यहाँ जो किसान हैं उनका कहना है कि लगातार हरियाणा पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई। बाबू जी क्या आप बताना? ये देखो, ये SLR राइफल क्लब जो 7.62 का फायर है वो भी किया, तो खोखा उनकी उधर से जब वो अंदर से निकल के आता है तो फायर होके गोली आगे चली जाती है, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक निकल के गिर जाता, वो गिरा हुआ मिला हमको। अभी क्या आपकी मांग है? आप तो हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं, अपनी देखिए देखिए ये देखिए बकायदा अनाउंसमेंट भी लगातार यहां से जो हरियाणा पुलिस की तरफ से वो चेतावनी भरा जो अनाउंसमेंट है वो लगातार यहां पर किया जा रहा है। और देखिए यहां पर जिस तरीके से कल काफी यहां पर जिस तरह से झड़प हुई उसके बाद देखिए ये पूरा जैकेट है इनको काफी चोट लगी। हाँ जी भाई, दर्द होता है अजे भी, बहुत स्पीड ना वजा आगे, पूरे जोर दी वजा, सच्ची मिच्ची दी गोलियां भी इन्होंने चलाईयां साडे ते कल इन्होंने। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗਏ ਸੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 80 ਸਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਮੇ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਅਭੀ 200। और देखो बोर्ड, पूरा बोर्ड जो लोहे का बोर्ड चल नहीं कर सकता है, बोल्टो इंसान क्या नहीं कर सकता, आपको पता है इस इंसान की कीमत, मतलब इसके जान की कीमत कितनी होती है। अब मैं देता हूँ उसको, बोलो पुलिस वाले को 2 लाख रुपए 10 लाख जितने मांगे मेरे को इतना हाथ दे दे अपना काट करके, जिनके हाथ कट गए हैं पांव कट गए हैं उनका क्या बनेगा? देखिए कई किसान जख्मी हैं और बकायदा ये आरोप है कि लगातार फायरिंग की गई है और जिस वजह से जो किसान है वो बड़ी संख्या में जख्मी हो गए, जबकि दूसरी तरफ की इस तरह के हालात जो है वो कमी देखने को मिलते हैं कि लगातार वहां से बकायदा अनाउंसमेंट की जा रही है, बकायदा चेतावनी की जा रही है। जिस तरह से कोई किसान आगे की तरफ बढ़ता है वहां से जो हरियाणा पुलिस के जवान है वो रिटेलिएट करना शुरू कर देते हैं। अरविंदो झा, शंभू बॉर्डर आज तक।